देवास जिले के अंतिम छोर पर नर्मदा के किनारे स्थित फतेहगढ़ का किला, जो कन्नौज से 42 किलोमीटर दूर होकर हरदा जिले के जोगा के समीप घने जंगलों में नर्मदा के बीच टापू पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब के समय 1406 ईस्वी में किया गया था। पर्यटक की नज़र में ये किला गुमनाम जिंदगी में है। इस किले के बारे में आसपास के लोगों को ही जानकारी है। इस किले तक पहुंचने के लिए देवास जिले के फतेहगढ़ तथा हरदा जिले के जोगा से नाव द्वारा ही जाया जा सकता है। वहां पहुंचने में मात्र 10 मिनट का रास्ता तय करना पड़ता है। हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करते हुए बताया कि दुर्ग के अंदर मुख्य द्वार, गुफाएं, मकबरा आदि बने हुए हैं, जो मुगल शासक काल की याद दिलाते हैं। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने इस दुर्ग को राष्ट्रीय महल घोषित किया है। यदि पुरातत्व विभाग इस ओर ध्यान देकर किले को संरक्षित करता है तो इसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटकों का आना जाना बना रहेगा, जिस कारण जोगा तथा फतेहगढ़ के साथ ही अन्य गाँव का भी व्यापार जैसा भी बढ़ेगा। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।